सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। तो इस वीडियो हम लोग बात करेंगे प्राइम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में एंड प्राइम इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कम्प्लीटली फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस चार्ट देखने वाले हैं। सो बने रहे लास्ट तक विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। प्राइम इंडस्ट्रीज पिछले 5 सालों में ऑलमोस्ट 2000% का रिटर्न्स दिया है एंड अगर इसके बात की जाए 5 सालों की लो की तो 0.38 रुपीज 38 पैसा इसका ऑल टाइम लो है एंड ऑल टाइम हाई की बात की जाए तो 11 रुपए 92 पैसे से ऑलमोस्ट 12 रुपीज 12 रुपए इसका ऑल टाइम हाई है एंड अभी करंट रेट 8 रुपीज 37 पैसा देखने को मिल रहा है एंड कंपनी में किसी भी तरह का रेड फ्लैक्स नहीं है, ना ही कंपनी ASM और GSM में है एंड ना ही इसके प्रोमोटर की होल्डिंग प्लेस्ड देखने को मिल रही है, विच इज गुड। प्राइम इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 13 करोड़ का है, ओनली 13 करोड़ 3,299 नंबर पर रैंक करता है, 3,299 नंबर पर रैंक करता है एंड कंपनी जो है रियल एस्टेट में डील करती है जिसका पी रेशियो 77 है एंड सेक्टर्स पी की बात की जाए तो 62.64 है एंड अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात की जाए टोटल रेवेन्यूज तो 2018 से 2021 की बात की जाए तो 1 करोड़ से लेकर 8 करोड़ तक इसका रेवेन्यूज देखने को मिला है पिछले 4 सालों में। 1 करोड़ से 2019 में 8 करोड़, देन 12 करोड़, देन 8 करोड़, तो ऑलमोस्ट इसके रेवेन्यूज में हमें इंक्लाइन देखने को मिल रहा है, ग्रोथ देखने को मिल रहा है। जबकि नेट इनकम की बात की जाए तो 2018 में 0.09 करोड़ इसका प्रॉफिट हुआ है, 2019 की बात की जाए तो 0.11 करोड़, 2020 की बात की जाए तो 0.75 करोड़ एंड 2021 की बात की जाए तो 0.17 करोड़ प्रॉफिट देखने को मिल रहा है कंपनी को। तो कंपनी यहां पर प्रॉफिट जनरेट करता हुआ देखने को मिल रहा है। प्राइम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात की जाए तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग 57% लगभग देखने को मिल रहा है, 57% एंड यहाँ पर जो है इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग ना के बराबर देखने को मिल रहा है एंड रिटेल एंड अदर्स की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 43% है, तो रिटेल के पास 43% 43% है एंड प्रोमोटर्स के पास 57% 57% देखने को मिल रहा है, जो कि एक बैलेंस्ड शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है कंपनी का, जो कि फंडामेंटल एनालिसिस के तौर पर बेटर देखने को मिल रहा है, बेहतर देखने को मिल रहा है। प्राइम इंडस्ट्रीज लिमिटेड की अगर चार्ट की बात की जाए तो यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट यहाँ पर जून 2017 से जो कि 0.38 रुपीज 38 पैसा यहाँ पर जो था इसका बॉटम था और यहाँ से प्राइस जो ऊपर उठना स्टार्ट किया था, अगर वहां से इसके रेशियोज की बात की जाए तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो इसका हाई है ऑलमोस्ट 11 रुपीज 70 पैसे यहाँ पर इसका ऑल टाइम हाई देखने को मिला है, जो कि ऑलमोस्ट 30 गुना 30 गुना का रिटर्न्स देखने को मिला है इसके 0.38 रुपीज के बॉटम से लेकर इसका ऑल टाइम हाई 11.70 रुपीज तक 30 गुना का रिटर्न्स देखने को मिला है। और अगर अभी करंट रेट तक बात की जाए तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 21 टाइम्स 21 गुना का रिटर्न्स अभी भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस कंपनी में एंड यहाँ पर जो इसका ऑल टाइम हाई था ऑलमोस्ट जुलाई 2005 की बात है जब इसका 8 रुपीज 65 पैसा इसका ऑल टाइम हाई था, तो उसको अभी करंटली यहाँ पर इसने ब्रेकआउट ऑलरेडी कर चुका है एंड करंटली यहाँ पर जो एक पैटर्न में देखने को मिल रहा है एंड अगर RSI की बात की जाए तो यहाँ पर जो है प्राइस जो है हायर लो लगा रहा है लेकिन इसमें डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, लोअर लो जा रहा है RSI, तो दिस इज अ बुलिश डाइवर्जेंस। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो प्राइस ने ऑलमोस्ट यहाँ पर उछाल लगाया था एंड कई टाइम्स के लिए यहाँ पर एज अ यहाँ पर एक बेस बनाया था इसने एंड तब जाके इस बेस को ब्रेकआउट करने के बाद फिर से अगेन से इसने भागना स्टार्ट किया था एंड करंटली यहाँ पर अगेन से यहाँ पर बेस बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर ये अगेन से अगर इस बेस को ब्रेकआउट करता है, इस पैटर्न को ब्रेकआउट करता है, तो अगेन से हमें इस तरह का रैली देखने को मिलेगा जब इसका ब्रेकआउट होगा इस लेवल का, ऑलमोस्ट 11.70 रुपीज का ऑल टाइम हाई है एंड करंट रेट 8 रुपए 37 रुपीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 8 रुपए 37 पैसा करंट रेट है एंड 11 रुपीज 70 पैसा ऑल टाइम हाई है एंड यहाँ पर जो है डाइवर्जेंस का इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। और अगर टारगेट्स की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 20 रुपीज इजिली यहाँ पर हमें टारगेट देखने को मिल सकता है आने वाले वक्तों में एंड गाइस ये वीकली का चार्ट है तो इसमें इस टारगेट को हिट होने में टाइम लग सकता है, तो आप इस बात का जरूर से ध्यान रखें
एंड गाइस इसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न से लेकर इसके रेवेन्यूज और इनकम में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जबरदस्त फंडामेंटल्स देखने को मिल रहा है। सो दिस इज अ गुड फंडामेंटल स्टॉक, आप इस पर कंसिडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट का या फिर बाइंग का। एंड यहाँ पर जो अगर पैटर्न्स ब्रेकआउट हो जाता है एज अ टेक्निकल चार्ट, तो यहाँ पर आपको प्राइस में उछाल देखने को मिल सकता है। सो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।